आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ने हमारे ज़िंदगी को एक नया आयाम दिया है, हमारे समय को बचाया है और साथ ही हर एक काम को करने में बहुत ही सहूलियत प्रदान की है। और जिस काम को मनुष्य नहीं कर सकता है उस काम को टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा अंतरिक्ष में खोज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को इंसानों के हाथों की एक वैज्ञानिक कला भी कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान का सही से उपयोग करके चीज़ों को सुविधाजनक बनाने को ही टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और अभी तक अपने तेज दिमाग के दम पर मनुष्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया है। पत्थर से हथियार बनाने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी तक इंसानों ने प्राचीन समय से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी में लाखों आविष्कार किए हैं और भविष्य में भी टेक्नोलॉजी में इससे बेहतर आविष्कार हम इंसानों के द्वारा किए जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। आज इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम बिजली, आग, पानी और हवा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम उस जनरेशन में पैदा हुए हैं जिसमें हमने दुनिया को अपने सामने विकसित होते हुए देखा है, इंटरनेट से जुड़ते हुए भी देखा है। हम उस पीढ़ी से हैं जहां भविष्य को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। पहले इंसान जंगलों में रहते थे और जहां आज बड़ी बड़ी शहरों और गगन चूमती हुई इमारतों में रहते हैं। हमारी दुनिया दिन ब दिन बदलती ही जा रही है और हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ते ही जा रहे हैं। इसी तरह भविष्य में हमारे शरीर भी टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगा और हमारे शरीर को पूरी तरह कंप्यूटर से कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए भविष्य में और जानते हैं कि आने वाले समय में कौन कौन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज आपको हर तरह के टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। आपको पहले एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी वक्त लगता था, लेकिन आज घंटों की यात्रा मिनटों में और महीनों की यात्रा चंद घंटों में पूरी हो जाती है दोस्तों, है ना कमाल की बात। हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो नए नए आविष्कार किए हैं वह सब विज्ञान का ही देन है। और आज हम कह सकते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। आज मनुष्य का जीवन पहले से ज़्यादा आरामदायक हो गया है। आखिर दुनिया जो है वह विज्ञान से ही विकसित हुआ है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकसित हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब हम ऐसे आविष्कार को देखेंगे जो आज तक नहीं देखा है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो आज वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि और अच्छे से काम कैसे करें। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने अधिक विकसित हो जाएगा कि वह सब कर सकता है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाना, मीटिंग खुद डिसाइड कर पाना, बहुत सारे काम कर सकते हैं जो इंसानों की सोच से परे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपको देख के पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों अपने फैमिली के साथ। थैंक यू। जय हिंद।